नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एलएसी पर। चीन की हिमाकत पर दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा सीडीएस बिपिन रावत, सेना प्रमुख नरवणे भी मौजूद रहे। बस कुछ ही देर के बाद बताया ये जा रहा है कि विदेश मंत्रालय इस पर बयान जारी कर सकता है। बयान जारी कर चीन को लेकर किस तरह की जानकारी सामने आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन राजनाथ सिंह से जो बैठक चल रही थी उनकी अध्यक्षता में, वो बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। सेना प्रमुख की भी रक्षा मंत्री से मुलाकात लेकिन अभी जारी है। सेना प्रमुख के साथ बातचीत चल रही है, वहां की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग फिलहाल ये खत्म हो चली है और कुछ ही देर में माना जा रहा है कि इस पर विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी करके और ज्यादा जानकारी दी जाएगी। उधर लद्दाख के गलवान इलाके में चीन की हिमाकत पर क्या कहना है LHDC लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ग्यालपिल वांग्याल का, सबसे पहले वो सुना देते हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन से झड़प। भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान शहीद। डेढ़ महीने की तनातनी के बाद लद्दाख में वो हुआ जो भारत चीन के बीच बीते 45 साल में नहीं हुआ था। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान सोमवार की रात हिंसक झड़प हुई जिसमें जानी नुकसान हुआ। भारत के एक ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए। दोनों तरफ से वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बातचीत से तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना के 3 सैनिक जिनमें से एक ऑफिसर भी शामिल है, कल रात को चाइनीज ट्रूप्स के साथ क्लैशेस में अपनी जान गंवा बैठे हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त दोनों तरफ से टेंशन्स इन लद्दाख के इन ईस्टर्न सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। पिछले कई दशकों में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है टेंशन देखा जा रहा है। चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के भी कुछ सैनिक मारे गए हैं, लेकिन संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि झड़प में शहीद हुए अधिकारी गलवान घाटी में तैनात बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। माना जा रहा है कि सेना के अधिकारी और जवानों की शहादत चीन की ओर से की गई पत्थरबाजी से हुई है। झड़प के दौरान दोनों ही तरफ से गोली नहीं चली। यह झड़प पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हुई। 2016 में चीन ने लगभग इस इलाके तक एक सड़क बना ली थी जो कि सैटेलाइट पे नजर आ रही है। पक्की सड़क है, यानी कि तार बिछी हुई है, उसके आगे कच्चा रास्ता जाता है। तो अप्रैल के एंड में और मई के शुरुआत में क्या हुआ कि इस चाइनीज पोस्ट 1 और चाइनीज पोस्ट 2 से गलवान नदी के साथ साथ जो चाइनीज आर्मी का दस्ता है वो इस कच्चे रास्ते के चलते 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 यहाँ पर आ गया। इसको कहते हैं PP14, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जो कि बहुत हद तक गलवान और शोक नदी का जो संगम है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, उसके नजदीक है। इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में मौजूदा हालात की समीक्षा के लिए सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। लद्दाख में खूनी झड़प से बिगड़े हालात को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने पठानकोट दौरा रद्द कर दिया। दूसरी तरफ चीन की पहल पर तनाव कम करने के लिए आज सुबह से ही दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। चीन ने भारत से संयम बरतने और एकतरफा कार्रवाई न करने की अपील की। दिल्ली में अभिषेक भल्ला के साथ शुजाउल हक, सोनमर्ग आज तक। दरअसल लद्दाख की गलवान घाटी में कल रात भारत चीन के बीच हुई झड़प में भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान शहीद हो गए। वहीं चीनी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है, हालांकि उनकी संख्या कितनी है इसको लेकर अभी कंफर्म जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत लगातार जारी है। इन सब के बीच लद्दाख के गलवान इलाके में चीन की हिमाकत पर क्या कहना है LHDC लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ग्यालपी वांग्याल का, सबसे पहले वो सुन लीजिए।
अगर ऐसा घटना हुआ है तो ये बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि देखिए जो एलएसी पे जो चाइना और इंडिया के जो ट्रूप्स बैठे हैं, देखिए क्योंकि ये दोनों अपने अपने मतलब भारत के जो ट्रूप्स वहां पे बैठे हैं वो अपने देश को देश के रक्षा के लिए बैठा है, लेकिन अगर जो एक चीज घटना नहीं घटना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस तरह की, तो मैं कहूंगा ये बहुत ही अफसोस की बात है और लद्दाख के लोग ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा और हमें जो है अपने फौज पे अपने आर्मी पे पूरा भरोसा है कि ये बराबर का जवाब देंगे। बेहद महत्वपूर्ण बातें इनकी ओर से की गई हैं और अब आपको मोहम्मद अमीन गलवान का भी बयान सुनाते हैं जो गलवान रसूल के पोते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि गलवान रसूल ने ही गलवान घाटी की खोज की थी और इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ। सुनिए। उन्हीं ने उनका जो नाले का नाम जो ना गलवान नाला रखा, जो कि अभी जो ना बहुत मशहूर है, हमारा हिंदुस्तान का जगह है, इसीलिए अभी चीन जो ना उसी जगह के लिए वो क्लेम कर रहा है, वो क्लेम जो ना नहीं है, वो कम से कम 200 साल जो पुराना हमारा हिंदुस्तान का जगह है। मैं प्राइम मिनिस्टर से या हिंदुस्तान के फौजियों से जनरल से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जगह किसी सूरत में भी हमारा ही रहना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। हमें जब हम सुनते हैं रेडियो पे कि गलवान नाले पे जो वो लोग अंदर आया हुआ है तो हमें बहुत अफसोस हो रहा है। हम भी चाहता है कि कम से कम हम कुछ ना कुछ करें। तो ये लद्दाखी जो ना पहले भी है बहुत सारे जो जंगू में हिंदुस्तान के फौजियों के साथ जो शाना बशाना काम किया है, हम भी चाहते हैं कि हम तैयार हैं। लगातार चीन की हिमाकत जारी है गलवान घाटी के आसपास, वहां पर उसकी हिमाकत, और अब हिंदुस्तान की भी पूरी कोशिश कि उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। एलएसी पर चीन से झड़प के बाद भारत में कांग्रेस ने वहीं सरकार से सवाल पूछे हैं और इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। सुनिए। आज बड़ा चिंता की बात है, लद्दाख में हमारी फौज पर हमला बोला और यह नतीजा यह निकला कि हमारे कॉर्नर दो जवान शहीद हो चुके हैं। हम प्रधानमंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा, यह मांग करूंगा, ये गुहार लगाऊंगा कि ये बदला चाहिए। हमारे फौज पे जो हमला हुए हैं इसका सही बदला चाहिए। इन खबरों को सुन पूरा देश क्षुब्ध है, रोष में है, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्णतया चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आगे आकर देश को जवाब देना चाहिए। पहला, क्या यह सच है कि गलवान घाटी में भारतीय सेना के एक उच्च सैन्य अधिकारी और हमारे सैनिकों को चीनी सिपाहियों ने मार डाला है? क्या यह सही है कि अन्य भारतीय सैनिक भी इस गंभीर हमले में गंभीर रूप से घायल हुए हैं? यदि हां, तो प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री पूरी तरह चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? कांग्रेस पार्टी की ओर से ये सवाल पूछे गए हैं। वहीं एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये कहा है कि शहादत पर बदला ले सरकार। उनकी ओर से बकायदा ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है, भारत के लोग गलवान घाटी में शहीद हुए तीन बहादुर जवानों के साथ खड़े हैं। मैं कर्नल और दो वीर सिपाहियों के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। सीओ मुहिम का खुद ही नेतृत्व कर रहे थे। सरकार को इन हत्याओं का बदला लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए। उधर चीन ने लद्दाख में भारत की ओर से सड़क बनाने पर एतराज जताया था। यह बात टकराव की बड़ी वजह थी, लेकिन भारत ने सड़क निर्माण नहीं रोका। इसके लिए झारखंड से स्पेशल ट्रेन के जरिए मजदूरों को लद्दाख भेजा जा रहा था, लेकिन झड़प के बाद ट्रेनों को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। भारत चीन सीमा पर झड़प के बाद झारखंड से लेह लद्दाख के लिए रवाना होने वाले मजदूरों की ट्रेन को रोक दिया गया है। यही नहीं, 20 जून को रवाना होने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। ये मजदूर भारत चीन सीमा पर बीआरओ की तरफ से सड़क निर्माण परियोजना में काम करने के लिए जा रहे थे। दुमका की डीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सुरक्षा कारणों से ट्रेन को रोका गया है।
इससे पहले शनिवार को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली ट्रेन को रवाना किया था। मजदूर इस बात को लेकर खुश थे कि लद्दाख में काम करने के दौरान उन्हें 16,000 से 29,000 रुपए मिलने वाले थे। पहली ट्रेन से मजदूरों का पहला जत्था उधमपुर पहुंच चुका है। उधमपुर में अनिल दुबे के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। तो ये लद्दाख की महत्वपूर्ण फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गए हैं। जिस तरह से सीमा पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं राजनाथ सिंह के घर जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। उसके बारे में और ज्यादा जानकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा पूरे मामले पर ब्रीफ करने की जिम्मेदारी है एस जयशंकर पर। इसी वजह से विदेश मंत्री इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गए हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ तमाम विपक्षी नेता इस बारे में जवाब मांग रहे हैं कि सरकार स्पष्ट करण दे। वहीं दूसरी तरफ अब सरकार के सामने चुनौती इस रूप में कि चीन के साथ रिश्तों को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि 45 साल के बाद 1975 के बाद यह पहला मौका आया है जब सीमा पर शहादत हुई हो, और इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कड़े कदम उठाए सरकार ताकि चीन को माकूल जवाब भी दिया जा सके। फिलहाल जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के घर पर वो खत्म हो गई, और उसके बाद एस जयशंकर विदेश मंत्री पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। और जानकारी ये भी आ रही है कि पीएम मोदी को हालात पर पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। काफी देर तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई और उस बैठक के बारे में जो भी जानकारी इकट्ठी हुई है उसके तमाम नोट्स, उसके बड़े पॉइंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताए जाएंगे। पीएम मोदी से मिलने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ही पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। जैसे इस मुलाकात की बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं आज तक आप तक पहुंचाएगा। उधर आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए, हालांकि उनका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया है। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना केस बढ़कर 42,000 से ज्यादा हो गए हैं। सरकार ने अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए 2 5-स्टार होटल को अधिग्रहित कर लिया है। अभी हाल ही में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल बुखार और सर्दी से परेशान हुए तो तुरंत ही अपना कोरोना जांच कराए। अच्छी बात ये रही कि जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई और वो काम पर लौट आए। अब दिल्ली वालों की सेहत का जिम्मा उठा रहे उनके मंत्री सत्येंद्र जैन भी बुखार से परेशान हुए तो तुरंत ही खुद को दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने भी अपनी कोरोना जांच कराई। सुकून की बात ये है कि केजरीवाल की तरह उनकी भी रिपोर्ट नेगेटिव ही आई है। 7 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी खराब हुई थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कल रात से ही सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। जब उन्हें राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां उनका कोरोना टेस्ट हुआ और कुछ ही घंटों के बाद उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आई। फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि सत्येंद्र जैन की सेहत में सुधार हो रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद और अस्पतालों में बेड की कमी के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार ने 2 बड़े होटलों का अधिग्रहण कर लिया है। दिल्ली का नामी होटल सूर्या और ताज मानसिंह दोनों अब कोरोना के मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज सूर्या होटल का दौरा भी किया। चेक इन काउंटर पे देखोगे दिस सोशल डिस्टेंसिंग, दिस 6-6 फीट गैप देयर, नो वन कैन कम नेक्स्ट टू ईच अदर, दैट्स वन। अगर आप एलिवेटर में देखोगे, इवन माय एलिवेटर्स आर मार्क्ड मैक्सिमम 3 पीपल। इनफैक्ट मैं एक एलिवेटर तो आई हैव समवन वेयर आई हैव अ बॉय हु इज वेयरिंग अ ग्लव, आई डोंट इवन वांट द गेस्ट टू टच द एलिवेटर बटन। दरअसल 29 मई को दिल्ली सरकार ने आदेश जारी करके कोरोना के इलाज के लिए होटलों को अटैच करने का फैसला किया था, लेकिन होटल सूर्या ने दिल्ली सरकार का आदेश नहीं माना और दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी। आज कोर्ट ने उसकी दलील को खारिज कर दिया। सूर्या होटल करुणा हॉस्पिटल होली फैमिली हॉस्पिटल के साथ अटैच होगा, जबकि ताज मानसिंह होटल को गंगाराम अस्पताल के साथ अटैच किया गया है। ये समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए अभी मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि राजधानी में कोरोना खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
इधर देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 50% से ज्यादा है, लेकिन कोरोना हर दिन करीब 11,000 लोगों को अपना शिकार बना रहा है। देश में कुल संक्रमितों की तादाद 3.5 लाख के करीब पहुंचने वाली है। जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान की हालत क्या है, संक्रमितों का तादाद कुल कितना है और उसमें से रिकवरी रेट 50% से ज्यादा। आज खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बारे में जिक्र किया गया, साथ ही राज्यों के हालात के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आप जानिए देश का हाल। देखिए देश में इस वक्त 3,43,091 कुल केस हैं कोरोना संक्रमित, जिनमें ठीक होने वाले लोगों की बड़ी तादाद है, 1,80,013 लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना से, जबकि 9,900 लोगों की जान गई है इस कोरोना के कारण। राज्यों की बात करें, राजधानी दिल्ली जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, 42,829 कुल संक्रमित, यहां पर 16,427 लोग ठीक हुए हैं, 1,400 लोगों की जान गई है। राजधानी दिल्ली का ये आंकड़ा जो परेशान करने वाला है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा परेशानी का सबब, 1,10,744 संक्रमित है, 56,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, 4,128 लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़ा ये आंकड़ा मौत का महाराष्ट्र से। तमिलनाडु 46,504 संक्रमित हैं, 25,344 ठीक हुए हैं, 479 मौत का ये आंकड़ा है तमिलनाडु का जो इस वक्त आप देख रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश 14,598 कुल संक्रमितों की तादाद, 8,610 ठीक हुए हैं, 435 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश में। तो ये हमने राज्यों का सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि किस तरह से सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली के लिए बना हुआ है, और इसी वजह से लगातार राजधानी दिल्ली को लेकर हम सबने देखा था कैसे गृहमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई थी और उसके जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई, ताकि राज्य और केंद्र सरकार आपस में मिलकर कदम आगे बढ़ाएं, ताकि दिल्ली में बढ़ते हुए ग्राफ को कम किया जा सके। वही देश में बढ़े कोरोना संकट के बीच आज से 2 दिनों की केंद्र और राज्यों की अहम बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब, चंडीगढ़ समेत पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों के सीएम के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस से एक व्यक्ति की भी मौत असहज करने वाली है, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जहां कोरोना से सबसे कम मौतें हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हजारों भारतीय विदेश से लौटे हैं और मजदूर अपने अपने घर पहुंचे हैं, सभी तरह के परिवहन के साधन भी शुरू किए गए हैं। इसके बावजूद भारत पर कोरोना संक्रमण का असर उतना नहीं पड़ा जितना दुनिया के दूसरे देशों पर हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने साथ मिलकर काम किया और कोऑपरेटिव, एक साथ मिलकर अच्छा उदाहरण हम सब ने पेश किया है। पीएम मोदी ने कहा कि एक बार फिर अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने के संकेत मिल रहे हैं, हम सब ने साथ मिलकर अच्छा काम किया, आगे भी इसी तरह से अपने कदम बढ़ाने होंगे। हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है, लेकिन यह भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। लोग देश की मजबूरी है, लेकिन कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने सभी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इसलिए सभी का फोकस इस बात पर था कि अर्थव्यवस्था को तो पटरी पर लाना ही है, साथ ही कोरोना को भी काबू में लाना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर साफ कर दिया कि सभी को मिलकर आगे बढ़ना होगा। अशोक सिंघल, दिल्ली। जान भी जहान भी इसी रास्ते पर सरकार आगे बढ़ती हुई। फिलहाल संक्रमित लोगों की जो तादाद है उसके मुकाबले ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है हिंदुस्तान में, ये एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हुए कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। क्या सुशांत सिंह राजपूत का बॉलीवुड के कुछ बड़े लोगों ने बैकआउट किया था और इस वजह से वो खुदकुशी के लिए मजबूर हुए,
उनके चचेरे भाई ने ऐसे लोगों पर निशाना साधा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस एंगल पर भी जांच के आदेश दिए हैं। मुझे पता नहीं स्टार बनते कैसे हैं, और अगर बन जाएं तो उसको बचा के कैसे रखते हैं, तो मैं सोचता नहीं, मैं सिर्फ स्टार्स देखता हूं टेलीस्कोप से। अपने सपनों को जीते जीते अचानक जिंदगी को अलविदा कह गए सुशांत सिंह राजपूत। अब महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि कहीं बॉलीवुड की खेमेबाजी उनकी खुदकुशी की वजह तो नहीं बन गई। सुशांत के चचेरे भाई और बिहार में बीजेपी विधायक नीरज सिंह सुशांत पर इस दबाव की बात खुलकर कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है, अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया गया है और एक बड़ा षड्यंत्र हम लोग इसको मानते हैं कि बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे हुआ है, तब जाकर के इस तरह का उसने स्टेप उठाया है। तो इसके लिए जांच का आदेश दे दी है महाराष्ट्र सरकार, हम उनका अभिनंदन करते हैं। 33 साल का लड़का था, इतना ऊपर चला गया, इससे खतरा होने लगा था लोगों को, सब लोग घबराए हुए थे, बड़े स्टार घबराए हुए थे कि इतना फास्ट कैसे भागा, तो कौन सा करियर इनका, इतना बड़ा के इतना पूरा लंबा समय इसका 40-50 साल अभी पड़ा हुआ था लाइफ पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, तो इसको तो घेरने का एक अभिमन्यु वध जैसे हुआ ना महाभारत, वैसे इसको वध करने का। मुंबई के अभिभावक मंत्री असलम शेख ने कहा कि अगर बॉलीवुड के कुछ बड़े लोगों ने सुशांत का बॉयकॉट कर रखा था तो उनकी जांच होनी चाहिए। जांच का आदेश दिया है और उसके बाद जिस तरीके से कुछ लोगों ने ट्वीट किया है, कुछ लोगों ने ओपन आके कहा है कि सुशांत सिंह जो है उसका एक पीड़ित था, अब डेफिनेटली जब जाँच होगी तो उनसे पूछा जाएगा, उससे पूछा जाएगा तो उसके जो कनेक्टेड लोग होंगे जिन्होंने भी प्रेशराइज करने का काम किया होगा, जो बड़े चेहरे होंगे, बड़े प्रोड्यूसर होंगे, इस तरीके की हरकत किए होंगे, तो डेफिनेटली आप देखिए कि आने वाले दिनों के अंदर उनको उस पाप की भुगतना। पूरे मामले की जांच जारी है, रिजल्ट कब आता है, किस रूप में आता है, सुशांत की मौत के पीछे की क्या बड़ी वजह थी, देश ये तमाम बातें जानना चाहता है। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही।